हेलो गाइस, वेलकम टू लुमियंस 5th क्लास। आज हम सीखने वाले हैं प्लेसमेंट्स, इफेक्ट लाइब्रेरी और मॉडल को इंपोर्ट करना। तो हम शुरू करते हैं। अब गाइस, हम लोग जो है प्लेसमेंट सीखने वाले हैं। चार तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं। आप नीचे जिसे प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे प्लेसमेंट्स दिख जाएंगे। पहला प्लेसमेंट होता है सिंगल प्लेसमेंट, जो कि हमें ऑलरेडी आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं सिंगल प्लेसमेंट। इसके बाद आता है मास प्लेसमेंट, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्लस्टर प्लेसमेंट। क्लस्टर प्लेसमेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारे बॉक्स बने दिख रहे हैं, मतलब ये एक साथ बहुत सारे ट्रीज लगाने वाला है। आप बस क्लिक करेंगे और देखेंगे बहुत सारे लग गए। जितनी बार आप प्लेसमेंट्स करेंगे, यह रैंडमली अपने प्लेस करने की डायरेक्शन और जगह बदल देगा, पैटर्न बदल देगा। अब देखो, आप कुछ ही दो चार क्लिक के अंदर कितने सारे ट्रीज आपने लगा दिए, तो इसे बोलते हैं हम क्लस्टर प्लेसमेंट। और क्लस्टर प्लेसमेंट की एक शॉर्ट की भी होती है। शॉर्ट की है, जैसे सिंगल प्लेसमेंट आपने सेलेक्ट किया है, आप अभी सिंगल प्लेसमेंट कर रहे हो और करते करते आपको लग रहा है कि मुझे क्लस्टर प्लेसमेंट करना है, तो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की को दबा करके रखो। दबा करके रखोगे और प्लेसमेंट करोगे तो क्लस्टर प्लेसमेंट होंगे, और अगर हटा दोगे कंट्रोल पे से हाथ तो वापस सिंगल प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो, प्लेसमेंट पाए और हमने लिया पेंट प्लेसमेंट। पेंट प्लेसमेंट गाइस झाड़ वगैरह प्लेस करने के लिए नहीं है, यूजुअली आप कर सकते हैं, बट हमें इसके लिए इसे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सिस्टम बहुत हैवी कर देता है। जब भी आप क्लस्टर प्लेसमेंट यूज करें, अगर आपका सिस्टम का कॉन्फिग्रेशन अच्छा है तब तो डेंसिटी आप हाई रखेंगे चलेगा, बट अगर आपका बेंचमार्क कम है तो आप इसको आधे से थोड़ा कम रख के यूज करें। और बेसिकली जब भी यूज करें, आप ट्रीज के लिए यूज नहीं करें, ट्रीज के लिए तो आप क्लस्टर प्लेसमेंट कर सकते हो। ये रैंडम चीजों के लिए ज्यादा काम का है, जैसे मान लो हमको ग्रास ये लेना है और हमको रैंडमली एक एरिया में फैलाना है, तो यहाँ पर हमें माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से पूरा पेंट कर देना। देखो, अब ये फैल चुका है। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट को पूरे लेंथ पे फैलाने के लिए है। मान लो सूखे पत्ते हैं, तो हमने फॉरेस्ट लीफ में, स्कैटर्ड लीफ में गया और यहाँ पर मैंने ये पत्ते सेलेक्ट करे और डेंसिटी में थोड़ी कम कर लूंगा। अब मैं इसे स्क्रोल करूंगा, देखो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो अगेन मैं इसे कम कर लेता हूँ। डिलीट पे आप क्लिक करके वापस से इसे करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाता है। तो मैं दूसरे पत्ते सेलेक्ट करता हूँ, प्लेसमेंट पत्ते, और थोड़ी सी डेंसिटी और कम करूंगा। अब देखो, मैं पेंट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप पत्ते फैला सकते हो। तो ऐसी किसी चीज के लिए आपको इसे यूज करना है, पेंट प्लेसमेंट को। जैसे छोटी छोटी ग्रास है आपको पूरे ग्राउंड पे फैलाना है, या टूटे हुए पत्ते आपको ग्राउंड पे फैलाना है, या ये जो हमारी छोटी छोटी फॉरेस्ट की ट्विग्स होती है, इन्हें आपको ग्राउंड पे इस तरीके से फैलाना है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर लग गई छोटी छोटी ट्विग्स, ये दिख रही है, ये रही। इस तरीके से आप किसी चीज को फैलाना चाहते हो, फैलाकर लगाना चाहते हो, क्योंकि एक एक लगाते हैं तो काफी टाइम लगता है, तो इसे आप डायरेक्टली पेंट कर सकते हो। और जब पेंट हो जाए, आप ओके कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिलीट करना है, तो आप डिलीट पर क्लिक करें और इस तरीके से इसके ऊपर डिलीट चला है। अब इन दोनों पे तो नहीं चलेगा क्योंकि हम ये कर चुके हैं, हमने तीसरा ऑब्जेक्ट लिया था, ये जो ट्विग्स है फॉरेस्ट की, यहाँ पर हमने ट्विग्स लगाई, ये रही, ये ट्विग्स के ऊपर चलेगा लाइक दिस, और फिर आप ओके कर सकते हैं। अभी देखो, ओके करने के बाद जो है प्लेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। अब हमारी बारी आती है गाइस मास प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में जाएंगे, मास प्लेसमेंट लेंगे। अब देखो, आपको ये सर्कल दिखेगा, आपको पॉइंट ए देना है। पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ट्री, आपको कौन सा प्लांट लगाना है। जैसे मुझे ये वाला लगाना, मैंने सेलेक्ट किया और इसे पहले नंबर पे आके लगा दिया। अब इसके बाद क्या है गाइस, हमें यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी देना होगा। अब यहाँ पर मैंने ए पॉइंट दिया, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट दिया। अब देखो, यहाँ पर ऑलरेडी प्लेसमेंट होगा, ये पांच ट्री अभी लगे, यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएंगे। यहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हो प्लेसमेंट्स के, कम कर सकते हो। यहाँ आएगा रेंडमाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये जो इनका रोटेट होने का हेड है, रेंडमाइज कर दोगे तो देखो कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं बाएं, अलग अलग हो गया, तो ये थोड़ा सा रियल लगता है। और अभी हर ट्री के बीच में जो गैप है वो एक जैसी है। अगर आप रेंडमाइज स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो कोई ज्यादा पास हो जाएगा, कोई ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा रैंडमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रैंडमाइज ऑफसेट। ये जो बीच की लाइन है, इसे हम बोलते हैं ऑफसेट लाइन। एक ही लाइन पे सारे झाड़ लगे, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये बॉक्स जैसा। अब इस बॉक्स के अंदर देखो पूरी फैल चुकी है चीजें,
इस तरीके से लगेंगी। अब आप नंबर भी बढ़ा सकते हो। कीप इन माइंड गाइस, ध्यान रखना जब भी आप प्लेसमेंट करेंगे, अगर आपने प्लेसमेंट कर ली, आप सेटिस्फाइड हो और ओके कर दिया, तो ये री एडिटेबल नहीं है, ये वापस से एडिट नहीं होगी। फिर आपको सिंगल सिंगल ट्री डिलीट करना होगा या फिर सिंगल सिंगल ट्री एडिट करना होगा, जो भी करना चाहें आप, मल्टीपल या सिंगल, बट ये ग्रुप वापस से एडिट नहीं होगा एक बार आपने लगा दिया तो। इसमें एक ऑप्शन और है, ये आपको प्लस का साइन दिखेगा, यहाँ पर आप कोई दूसरा ट्री या कुछ और लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसके साथ ये वाला फ्लावर ऐड कर दिया, आपको फ्लावर पे क्लिक करना, प्लस पे जाकर क्लिक करना, कुछ फ्लावर हो जाएंगे, कुछ झाड़ हो जाएंगे, पर कौन सा कितना होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो कंप्यूटर अपने आप करता है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑफसेट वाली लाइन है उसे वापस जीरो कर दूं, तो एक लाइन में सब लग जाएंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ओके कर दो, राइट हैंड साइड आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा, टिक, और अगर आप ओके नहीं हो तो कैंसिल कर दो। मैं ओके कर देता हूँ, देखो ओके करने के बाद गाइज यहाँ पर ये हो चुका है, अब ये रीएडिट नहीं होगा। अब आपको एक एक सेलेक्ट करके ही इसको डिलीट या एडिट करना पड़ेगा। एक चीज और हम कर सकते हैं, जैसे मास प्लेसमेंट लिया मैंने, ए पॉइंट और बी पॉइंट को दिया, अभी फिलहाल में मैं नंबर ऑफ आइटम्स हटा दूंगा, कम कर दूंगा, मुझे सिर्फ फ्लावर रखना है, ये ट्री हटाना है, तो मैं ट्री के ऊपर जाऊंगा, जैसे जाऊंगा देखो ऊपर रिमूव आएगा लिखा हुआ, डस्टबिन बना हुआ, उस पर डबल क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स बचे हैं, मैं वो भी अभी कम कर लेता हूँ। अब मान लो आपको जिगजैग जैसे कुछ आकार बनाना है ना, तो आप इस पॉइंट को पकड़ के इधर कर लो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, बीच में पॉइंट बनाकर नीचे ला सकते हैं, तो कंट्रोल दबाएंगे, जहां पॉइंट बनाना है वहां पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक करा, यहाँ पर स्मूथनेस है, समझे, नीचे कर दा, एल बन गया। अभी देखो एल थोड़ा सा कर्व वाला है, अगर आप ये स्मूथनेस इसकी बढ़ाओगे तो और कर्व बनेगा, और जीरो कर दोगे तो देखो एज हो गया बिल्कुल एल जैसा, तो ये स्मूथनेस आपके ऊपर है। अब मान लो मुझे अगेन ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, कंट्रोल दबा कर रखूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, एक और पॉइंट बन गया, अब इसे मैं इस तरीके से ऊपर लेके जा सकता हूँ लाइक दिस, तो ये देखो जिगजैग बन गया। ऐसा कैसा एक ट्रैक आप यहाँ बना सकते हो, जिगजैग यहाँ पर बहुत सारे झाड़ लगा दो, यहाँ बहुत सारे झाड़ लगा दो, बीच में रोड पेंट कर दो तो रास्ता बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रेंडर्स निकाल के भेजे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से सीधा सीधा रास्ता है, इसे बोलते हैं मास प्लेसमेंट, और ये आपका ये इस तरीके से पूरा जिगजैग बनाकर अलग अलग चीजों को लगाया है। लैंडस्केपिंग आपको सिखाया कि थोड़ा ऊपर नीचे जमीन करिए, बीच में रास्ता पेंट किया है, इस तरीके से आप वॉलपेपर बना सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। ये देखो ये अगेन मास प्लेसमेंट है, इस साइड चीजें लगाई, इस साइड चीजें लगाई, लोगों को लगाया, बीच में रोड पेंट कर दी, और यहाँ से थोड़ा सा हाइट दे दी ताकि सन इस तरीके से दिखे, लैंडस्केप खाली ना दिखे। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लाइक दिस रोड, सिर्फ रोड इंपोर्ट करिए और राइट साइड प्लेसमेंट्स कर दिए हैं। तो गाइज आप आपके हिसाब से, अगेन ये मास प्लेसमेंट है पूरा, इस तरीके के वॉलपेपर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है प्रॉपर्टीज सीख ली है, एडवांस प्रॉपर्टीज सीख ली है, अब हम इफेक्ट लाइब्रेरी देखने वाले हैं। जैसे इफेक्ट के अंदर आपको गाइज दिखेंगे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फाउंटेन्स, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ दो तरीके के ही फाउंटेन्स हैं, बाकी जो सारे हैं वो प्रॉपर्टीज अल्टर करके बनाए होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। एक फाउंटेन ये है यहाँ पर, हमको सिंगल प्लेसमेंट ही करना है, ध्यान रखना वरना गलती से मास या क्लस्टर कर लेंगे तो बहुत सारे लग जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक फाउंटेन है ये वाला, ये जो फाउंटेन मैंने अभी लगाया है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी कैसे। अब देखो पहले तो हम इस वाले की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर वाले, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कलर चेंज करने की। जैसे अभी नॉर्मल कलर है, मान लो मैंने रेड किया और फिर ब्राइटनेस बढ़ा दी, अब आपको ये रेड दिखने लगेगा। इस फाउंटेन में बस यही ऑप्शन है और कुछ नहीं, आप स्केल टूल लेके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, पर उसके अलावा कोई दूसरी चीज इसमें करने को नहीं है, बस ये इस तरीके से बेहतर रहेगा। अब ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास, ये दोनों बिल्कुल सेम है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करूंगा तो इतनी सारी चीजें हैं, सेम यही चीज इसकी प्रॉपर्टी में भी। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके इसका इमिटर विड्थ बढ़ा दूं, साइज थोड़ा छोटा कर दूं, देखो अब दोनों एक जैसे हो गए दोनों एक जैसे। हाँ सर, इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज एडजस्ट करके अलग अलग हमारे हिसाब से बनाते हैं। तो मैं इसको एक को हटा लेता हूँ, एक ही को हम रखेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है स्ट्रीम रैंडमाइज, जैसे आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो एकदम ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको बोलते हैं रैंडमाइज स्ट्रीमिंग, मतलब
अपने आप कैसे भी कम ज्यादा होकर बहना, कम कर दोगे तो बिल्कुल एक जैसा बहेगा। इमीटर विड्थ को अगर कम करोगे तो एक सिंगल लाइन जैसा हो जाएगा, विड्थ बढ़ाओगे तो चौड़ा हो जाएगा। एंगल ऑफ स्ट्रीम 0 है, अगर इसे बढ़ाओगे तो ये देखो अब ये इस तरीके से घूमने लगेगा। अगेन विड्थ कम कर दोगे तो देखो एक जगह से, विड्थ बढ़ाओगे तो चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से एंगल ऑफ स्ट्रीम आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा जैसी आपकी इच्छा। अब इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इस तरीके से ही देखो नया शावर जैसा बन गया अभी। इस तरह से वाटर का प्रेशर कम करोगे तो साइज छोटा हो जाता है। वाटर प्रेशर बेसिकली हमारे काम का नहीं है, इसको फुल पे रख के छोड़ देंगे। साइज आप छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। जब पानी आपस में टकराता है तो फॉर्म बनता है, यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है। इसको कम करोगे तो देखो पानी हल्का दिखने लगेगा, फॉर्म ज्यादा रहेगा तो पानी सही दिखेगा। एक्स्ट्रा कलर ऐड करोगे तो पानी की डेंसिटी या वॉल्यूम ज्यादा दिखेगी। तो इन ऑप्शन को यूज करके आपके हिसाब से आप फाउंटेन बना सकते हो। समझ राजू में आया सबको गाइस? जी सर। इसके बाद आता है गाइस फायर। यहां से लेकर यहां तक सारे फायर एक जैसी है और यहां से यहां तक एक जैसी है। तो एक में ये वाली लगाऊंगा, एक में ये वाली लगा लेता हूं। अब पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये किस काम की। जैसे बॉन फायर बनाना हो, कहीं आपको आग लगानी हो, तो ये उसके काम की। और ये वाली फायर जैसे घर के अंदर हम चिमनी वगैरह लगाते हैं, या किचन में हम जो स्टोव यूज करते हैं उनमें वॉल्यूमेट्रिक वाली लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, साइज बढ़ा सकते हो, फैलने का एरिया का, पार्टिकल बढ़ाओगे तो आग गहरी हो जाएगी और ज्यादा, और स्प्रेडनेस बढ़ाओगे तो और बड़ा एरिया है, छोटा करोगे तो थोड़ी सी सिकुड़ी भी। साइज फायर की बढ़ाओगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी और कम करोगे तो छोटी हो जाएगी। यहाँ पर कलर भी है, अलग अलग कलर की फायर आप बना सकते हो। और ब्राइटनेस कम करोगे तो हल्की लगेगी और बढ़ाओगे तो गाढ़े लगेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हो। इसके बाद आता है ये वॉल्यूमेट्रिक वाला। ये यूजुअली गैस स्टोव वगैरह पे छोटा, अगर आपका बर्नर है वहां पर लगाने के काम का, या रूम के अंदर जो पुरानी ट्रेडिशनल चिमनी आती है उस पर लगाने के काम में आता है ये। इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो, चौड़ी हो जाएगी, कम कर सकते हो विड्थ, लेंथ भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। इसके बाद इस फायर की हाइट छोटी करोगे तो कम हो जाएगी, हाइट बढ़ाओगे तो बड़ी हो जाएगी। अब इसमें टर्बुलेंस आता है, जैसे आप देखो टर्बुलेंस कम करा तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहेगा, बढ़ाओगे तो तेज तेज बहेगा। इसकी इंटेंसिटी कम करूंगा तो बिल्कुल जरा सी फायर हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो थोड़ी तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फायर को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्मोक का, जैसे सॉरी पहले आएगा स्मोक का। इस फायर के ऊपर आप स्मोक भी लगा सकते हो। ये स्मोक सभी एक जैसे, सिर्फ कलर का अंतर है। इसकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी, जो हम अल्टर करना भी सीखेंगे। स्मोक लगाया, अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कलर, आप व्हाइट कलर की जगह दूसरा कलर का स्मोक बना सकते हो। इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो गाढ़ा दिखते जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो देखो लाइट ही लाइट दिखेगा। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। डेंसिटी अगर आप कम करोगे तो देखो इसकी डेंसिटी बहुत हल्की हो गई, अभी बहुत छोटा दिख रहा है, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वापस बड़ा दिखेगा। कॉलम साइज एकदम छोटा कर दिया, डेंसिटी कम कर दी। अब आप देखो इसको किचन में भी यूज कर सकते हो, कि पानी उबल रहा है और किचन में लगा दिया आपने चिमनी के नीचे। पार्टिकल साइज और छोटा करोगे या बढ़ा करोगे तो ऐसा थोड़ा गोला गोला बन जाएगा, और छोटा करोगे तो पतला पतला बन जाएगा। जैसे आपकी नीड हो वैसे लगा सकते हो। रेंडमाइज बढ़ाओगे तो अपने हिसाब से कहीं कहीं फैल के उड़ेगा, कम कर दोगे तो एक ही जगह उड़ते हुए दिखेगा। इस तरीके से आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई स्मोक की, या आप आग के ऊपर लगा सकते हो, किचन में चिमनी के ऊपर लगा सकते हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सर जैसे उसकी हाइट छोटी बड़ी करनी हो तो ऐसे विड्थ बड़ी छोटी हो रही, हाइट बड़ी छोटी नहीं हो सकती? या स्केल से आप इसकी हाइट भी शिफ्ट दबाकर छोटी बड़ी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये स्केल का जो ऑप्शन है ये तो आपके पास है ही। अगर यहां से आपको साइज का प्रॉपर नहीं लग रहा है तो यहां से तो आप छोटा बड़ा कर ही सकते हो। ओके, अब हम देखने वाले हैं फॉग। जैसे हमने कल एक सीन बनाना सीखा था है ना, जिसमें हमने पॉन्ड बनाया था, तो अब देखो आप उस पॉन्ड के ऊपर ये फॉग लगा सकते हो। जैसे सुबह सुबह का आपने सीन बनाया, रियल स्काई लगा के पॉन्ड के ऊपर फॉग बना दिया। फॉग की प्रॉपर्टीज हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो हमारा इतना बड़ा ही लेक था या पॉन्ड था, तो यहाँ से उसकी डेंसिटी हमने कम कर दी। पहले तो थोड़ा सा दिखाना, ज्यादा गाढ़ा नहीं, साइज छोटा कर दिया इतना। और यहाँ से ब्राइटनेस आप कम ज्यादा कर सकते हो, फॉग की कलर चेंज कर सकते हो। अब ये देखो बहने की स्पीड, एनिमेशन धीरे धीरे बह रहा है, आप इसका एनिमेशन बढ़ा सकते हो, तेज हो जाएगा।
और स्लो कर सकते हो। अब जैसे नीचे मान लो यहाँ पॉन्ड है, तो पॉन्ड के ऊपर सुबह सुबह का सीन आप बनाकर ऐसा फॉग लगा सकते हो जो और रियल लगेगा। तो इसके अंदर जितने भी फॉग हैं सब एक जैसे ही हैं, बस प्रॉपर्टीज आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। अब मैं आपको इसके आगे का एक एनिमेशन बताऊंगा लीव्स का। ये बेसिकली हम एनिमेशन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये झाड़ है, मैंने यहाँ से ये वाली लीफ ली और यहाँ पर इस तरीके से झाड़ में लगा दी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर मिलेंगी। पहला है कलर, हम ग्रीन कलर कर लेंगे क्योंकि जो हमारा झाड़ है ग्रीन कलर का है। विंड एक्स अगर आप चेंज करोगे तो लेफ्ट में जाएगी राइट में जाएगी, इस तरीके से हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं हमारी तरफ लाइक दिस। अब विंड जेड की डायरेक्शन हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। पत्तियों का अमाउंट आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लीफ की जो टाइप है वेराइटी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। साइज पत्तियों का बड़ा और छोटा कर सकते हो जैसा आपका झाड़ हो। अब देखो अगर मैं नीचे जमीन पर खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ूं तो आपको इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे जब हम एनिमेशन बनाएंगे कुछ और डिटेल में इसके बारे में चीजें सीखेंगे, तो इस तरीके से आप ये गिरी हुई पत्तियों का या उड़ती हुई पत्तियों का एनिमेशन बना सकते हो। समझ में आया गाइज आपको ये? जी इसके बाद गाइज सर, इसके अंदर आता है साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट अभी हमको नहीं सीखना है, वो हम वीडियो के टाइम पर सीखेंगे क्योंकि तो अभी हमको ये समझ में नहीं आएगा साउंड इफेक्ट। एक चीज और यहाँ पर डेकल, डेकल मतलब खराब चीज। जैसे आपने मान लो कोई मॉडल बना कर लाया, उसमें रोड है, आपको रोड में गड्ढा दिखाना है, तो ये देखो इस तरीके से आप बना लगा दोगे एस्फाल्ट में, से देखो गड्ढा है रोड के अंदर, इस तरीके से दिखेगा। या फिर दीवार आपने बनाई, बच्चे चौक से चितरते हैं तो ये ड्राइंग दिख जाएगी चौक वाली। ये क्लोवर्स कवर्स हैं, ये देखो इस तरीके के जो जंग लगे हुए कवर होते हैं, आप ऐसे कवर्स जो भी आपने मॉडल में क्लोवर्स बना कर लाया उसके ऊपर लगा सकते हो। या फिर इसके अंदर आपको ये डर्ट मिल जाएगी, मिट्टी जमी हुई जो रहती है आइट साइड, ये डर्ट है, ये आप किसी जगह पर लगा सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा गंदा दिखाना है ज्यादा, ये ब्रिक एक्सपोज है, जैसे आपने कोई दीवार बनाई उसमें टूटापन दिखता है, तो इस तरीके से ब्रिक आप दिखा सकते हो। ये ऑप्शनल है, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। अगर आप स्केचअप यूज करते हैं, तो अगर आपके पास लुमियन का 12 वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो स्केचअप में हम जब फाइल सेव करते हैं तो सेव करते समय वो नाम पूछता है और नाम के नीचे फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्केचअप के अलग अलग वर्जन की फाइल सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। लुमेन 12 के लिए आपको स्केचअप की 2018 वर्जन में फाइल को सेव करना है, 11 यूज कर रहे हैं तो 2016 में, 10 यूज कर रहे हैं तो 2008, 8 लुमेन यूज कर रहे हैं तो 2006 स्केचअप, और लुमेन 6 यूज कर रहे हैं तो स्केचअप 2004 में सेव करना है आपको। तो इस तरीके से आपको फाइल सेव करना है स्केचअप की और डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाएगी, हमको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी होती। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे इम्पोर्ट होगी। अगर आप मैक्स यूज कर रहे हैं, रैबिट यूज कर रहे हैं, माया या कोई भी अदर दूसरा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको आपकी फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा .fbx फॉर्मेट में। जब भी आप मैक्स रैबिट या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सेव आप कर लो आपके कन्वीनियंस के लिए। सेव के साथ साथ जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है लुमियन में इंपोर्ट करने के लिए वो है एक्सपोर्ट करना। आपको फाइल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और .fbx फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। या आपके पास रेविट में दो ऑप्शन और आते हैं, एक लाइम एक्सपोर्टर करके एक्सटेंशन है वो आप यूज कर सकते हैं, या कोलाडा एक्सटेंशन है वो यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन आपको रेविट में सर्च करना होगा, मतलब बाहर का एक्सटेंशन है वो रेविट में इंस्टॉल करना पड़ता है, बट उतनी मेहनत करने से अच्छा है आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर ले .fbx फॉर्मेट में, वो इजी है। लुमियन के अंदर तीन बेसिकली फाइल वर्क करती है, एक है स्केचअप की फाइल, वर्जन टू वर्जन आपको कोलाइड करके यूज करना होगा, .da कोलाडा फाइल जिसे हम बोलते हैं, .fbx फाइल। तो मैं आपको मॉडल इंपोर्ट करके बताता हूँ। आपको जाना होगा इंपोर्टेड मॉडल्स में, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा इंपोर्टेड मॉडल, तो मतलब इंपोर्ट न्यू मॉडल ऐसा ग्रीन कलर का आपको साइड में मिलेगा इंपोर्ट न्यू मॉडल करके। तो इंपोर्ट न्यू मॉडल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंपोर्ट न्यू मॉडल पे क्लिक करोगे, जहां भी आपकी फाइल आपने सेव करी है, जैसे हमें जो भी इंपोर्ट करना है वो मुझे इंपोर्ट करना है एक्सटीरियर हाउस 1, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। अब यहां पर एरर आ रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये जो फाइल नेम है ये ऑलरेडी मेरे इंपोर्ट करी है, तो वही की वही दिक्कत दे रहा है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, रीनेम करना होता है। तो मैं इसको एक्सटीरियर 8 या कुछ
ओके एक्सटीरियर 7 कर लेता हूँ, रीनेम करूंगा। कैटेगरी फोल्डर सेम रहेगा, डिफॉल्ट चेंज नहीं करना है। इंपोर्ट एज लाइन बंद रहेगा, ऑन नहीं करना है। और बस यहाँ पर टिक पे क्लिक करेंगे। जितनी बड़ी फाइल रहेगी उतना टाइम लगता है, 2-3 मिनट लगते हैं इंपोर्ट होने में। कई बार नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ दिखता है, बट पैनिक नहीं करना, आराम से बैठना, इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे फाइल इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और प्लेस हो जाएगी, फिर भी दिख रही है। तो हमको पता है, एक बार हम प्लेस कर देते हैं उसके बाद एस्केप दबाना पड़ता है प्लेस कमांड से हटने के लिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो हमारी फाइल है वो इंपोर्ट हो गई है लाइक दिस। अब देखो इंपोर्ट तो हो गई है, बट हो क्या रहा है, ये जमीन से काफी ऊपर है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल हमने इस मॉडल में बनाया है, तो स्विमिंग पूल ग्राउंड पे लग गया है। तो अब अगर आपको इसको ठीक करना है तो क्या करना होगा, हम इस मॉडल को पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मूव वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे ताकि लेवल में आ जाए। ज्यादा नीचे करोगे तो ऐसे घुस सकता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इतना आपने करा ये सही है, आपको सारी चीजें प्रॉपर दिखेगी। बट एक दिक्कत आएगी, हमने पुल बनाया है तो पुल का लेवल ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो इसीलिए यहाँ पर घास दिख रही है। अब इस घास को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रास लेवल को डाउन करना होगा। तो डाउन करने के लिए हम लैंडस्केप में जाते हैं, हाइट और लोअर टूल, ब्रश साइज कम करेंगे और यहाँ से इसे लोअर कर लेंगे, तो ये लैंडस्केप क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। अब आपका पुल नॉर्मली आपको सही से हट दिखेगा लाइक दिस। हाँ, पर एक चीज का गाइज आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटी सी चीज, मटेरियल लगाना बनाना हम कल सीखेंगे, बट कुछ बेसिक डिटेल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। अब हम कल जो है इस मॉडल के अंदर सारे मटेरियल चेंज करना, मटेरियल वेबसाइट से डाउनलोड करके बना के लगाना, हमारे खुद के मटेरियल बनाकर लगाना, मटेरियल को सेव कैसे करना है वो, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। हम इस घर के अंदर पूरा आसपास का एनवायरनमेंट बनाएंगे, लेयर में काम करना हम सीखेंगे। लेयर में काम करने का फायदा होता ये है, हम एनिमेशन जब बनाते हैं, लेयर में चीजों को लगाते हैं तो एनिमेशन हम बना पाते हैं, नहीं तो एनिमेशन हमें बनाने में दिक्कत होती, बनता नहीं है ठीक से, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ये फाइल है, हमने लेयर 2 के अंदर नेचर की चीजें लगा दी, उसका नाम रीनेम करना सब हम सीखेंगे। तो नेचर की चीजें लगाने के बाद हम लेयर को हाइड कर देंगे, उससे होगा कि हमारी फाइल हेवी नहीं होगी, स्मूथ चलेगा, हम ज्यादा काम अच्छे से कर पाएंगे। और जब हम रेंडर लेने वाले होंगे तो रेंडर में ही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको लेयर को वापस से हाइड अनहाइड करना है, बार बार आपको बिल्ड मोड में नहीं आना पड़ेगा। तो उसका ये फायदा है, पहला फायदा फाइल हेवी नहीं होती, दूसरा फायदा आपने जो चीजें लगाई हैं, आपने रेंडर निकाल लिया, मान लो आपका क्लाइंट बोलता है मुझे बिना पीपल के एक रेंडर चाहिए, तो आप पीपल को हाइड करोगे, रेंडर निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा, फिर बाद में बोले कि चलो निकाल के एक और दे दो, फिर आप वापस से पीपल लगाओगे, बहुत टाइम और मेहनत बर्बाद होता है। तो आप लेयर को हाइड करके रेंडर बना सकते हो, लेयर को दिखा के रेंडर बना सकते हो, लेयर के साथ एनिमेशन बना सकते हो, लेयर को हाइड करके आप फाइल हल्की करके वर्क कर सकते हो। तो ये सारे जो फायदे हैं लेयर में काम करने के होते हैं, जो हम कल काम करना सीखेंगे लेयर्स में। उसके बाद हम अभी तक क्या करते आए थे, पहले हम पूरा सीन बनाते थे फिर फोटो में जाकर फोटो खींचते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम फोटो में जाएंगे, पहले हमारा फोटो खींचेंगे, फोटो का सीन बनाएंगे, फिर जैसे मान लो ये हमारा सीन है, तो जितना आपको आसपास दिख रहा है उतनी जगह पर ही हमको काम करना होगा, दूसरी जगह पर काम करके हम हमारा टाइम वेस्ट और रेंडर का टाइम खराब नहीं करेंगे, ये चीज हम कल सीखेंगे। और मटेरियल पूरा चेंज करना बनाना, ये सारा चीज सीखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं अभी, जैसे ये मॉडल है, अब मैं जाता हूं मटेरियल एडिटर में, अब देखो मैं मटेरियल को सेलेक्ट कर रहा हूं तो अलग अलग मटेरियल सेलेक्ट हो पा रहे हैं। पर गाइज इसमें एक ऐसा काम है, जैसे ये वाली दीवार जो सफेद कलर का मटेरियल लगा है और यहाँ पर भी लगा है, यही मटेरियल पूरी बिल्डिंग में जहां पर भी होगा वो एक साथ सिलेक्ट होगा और एक साथ बदलेगा। इस दीवार पर अगर आपको अलग कलर या मटेरियल और इस दीवार पर अलग लगाना है, तो आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में इन दोनों को अलग अलग कलर या अलग अलग मटेरियल देना पड़ेगा। अगर आपने एक जैसा मटेरियल या कलर पूरे मॉडल में कहीं और दिया है, वो भी साथ में सिलेक्ट होकर साथ में बदलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे ये वाली दीवार का कलर मुझे अलग और नीचे अलग करना है, तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, एक जैसा है। ये कुर्सी अगर मुझे हरी, एक नीली, एक पीली करना है, नहीं होगी क्योंकि तीनों कुर्सी एक जैसे मटेरियल की है, तो मैं इनको एक जैसा ही चेंज हो पाएगा। अगर अलग अलग चेंज करना है तो अलग अलग मटेरियल लगा कर लाना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इसके आगे हम लोग कल सीखेंगे। एंड गाइज, हम लोग एक फ्री इंस्टीट्यूट रन करते हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं,
और जो कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं और जॉब के लिए हेल्प भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा से कुछ भी सपोर्ट हमें दे सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर की डिटेल और बारकोड वीडियो के लास्ट में ड्रॉप कर दूंगा। आप 1 रुपये, 5 रुपये और जो भी डोनेट करना चाहे, आप उन बच्चों के लिए डोनेट कर सकते हैं। आपके एक छोटी सी हेल्प से शायद किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है लाइफ में। हम हमारी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी भी इच्छा हो एक छोटा सा डोनेशन, एक छोटी सी चेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो प्लीज़ डू डोनेट। अगर आप लोग चाहते हैं गाइस कि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल्स वीडियो आपको मिलता रहे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स प्रोवाइड करें। हम लोग इसी तरीके से आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के सभी सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स वीडियोस डालते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग अस।